राघव चड्ढा का है। क्या अब सलाखों के पीछे राघव चड्ढा पहुंचने वाले हैं? नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नासमिन खान आपके साथ। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये दावा किया जाता है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा, लेकिन इसी बीच यहां पर चार चार्जशीट का जिक्र किया जाता है जिसमें मनीष सिसोदिया का जिक्र है, जिसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चार्जशीटों में राघव चड्ढा का भी नाम देखा जा रहा है, जिसके बाद ये कहना शुरू हो चुका है कि अब अगला नंबर राघव चड्ढा का हो सकता है। राघव चड्ढा भी कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं। शराब घोटाले के तहत चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें चार चार्जशीट में से तीन चार्जशीट में संजय सिंह का नाम बकायदा ईडी अधिकारियों ने दिया था, लेकिन एक चार्जशीट में गलत तरीके से नाम संजय सिंह का आ गया था, जिस पर बकायदा संजय सिंह ने हंगामा काटा था और उसके बाद ईडी अधिकारियों ने उनसे माफी मांगी थी। लेकिन देखा जाए तो क्या इसमें जिक्र ईडी अधिकारियों की तरफ से ये किया जा रहा है कि जहां संजय सिंह का नाम है तो वहीं राघव चड्ढा भी शराब घोटाले में शामिल पाए जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर राघव चड्ढा के खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या इंतजार किया जा रहा है कि कब ऐसा माहौल बने कि राघव चड्ढा को घेरते हुए चुनाव पर सीधा तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आए? राज्यसभा से सस्पेंड करने की तो बात राघव चड्ढा को लेकर की गई, क्या अब यहां पर शराब घोटाले में राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ईडी अधिकारियों का शिकंजा राघव चड्ढा के घर पर भी देखा जाएगा? क्या लगता है आपको राघव चड्ढा का नाम जिस तरीके से चार्जशीट में देखा गया है, अगला नंबर किसका, किसको मानते हैं? क्या आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी में लिप्त हो जाएगी? क्या तमाम पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।